फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ स्पेड्स में। देखिए, कल हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा, जाना एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, उस सबके बेसिक मेथड्स पढ़े और आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, 611/363 का सरलतम रूप क्या है, ये हमसे पूछा गया है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि 15/45 का सरलतम रूप क्या होगा। तो आप सिंपली बोलेंगे 5 3 15 और 5 9 45, 3 1 3 और 3 3 9, यानी कि 1/3 इसका सरलतम रूप हो गया। यहाँ पर हमने जिस नंबर से इन्हें काटा वो हमारे लिए क्या हो गई, मैस है, वही नंबर हमें फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। छह सौ ग्यारह दूनी 1222, बात को समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है 3 में से 2 गया 1, 6 में से 4 2 गए 4, 141 611। चलिए आगे देखते हैं कितनी बार जाएगा, 14 1 14 14 2 28, 14 3 42, 14 4 56, 4 1 4 और 14 4 56, यानी कि 564। 11 में से 4 गए 7 और 10 में से 6 गए 4, कितना आ गया 141, मतलब 3 times 141। तो हमारे पास मैसे क्या आ गया, ये क्या है हमारे लिए, मैस है। अब इस 47 से इसे डिवाइड करते हैं, 47 1 47, 11 में से 7 गए 4, 1 और 1 47 3 141, बात को समझ पाए। अब करते हैं 1363 को डिवाइड किससे, 47 से, 47 2 94, 6 में से 4 गए 2 और 3, अब यहाँ के बिना 13 में से 9 गए 4, 47 निम्न 423। अब हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर कितना आ गया, 13/29, बात समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 777/1147, इसमें भी हमें वही अप्लाई करना है, 777/1147, 777 1 777, 7 में से 7 गए 0, 14 में से 7 गए 7 और 10 में 7 गए 3, 37 2 74, 7 में से 4 गए। आपको क्लियर हो रहा है ये सब कैसे कैसे हो रहा है, 37 2 74, यानी कि 3 और 7। अब जो 37 से इसे डिवाइड कर रहे होंगे तो 37 धाम 370, यानी कि हमारे पास अब मैसे क्या आ गया, मैसे आ गया कितना, 37। 37 से इन दोनों नंबरों को डिवाइड करते हैं, पहले 37 2 74, 37 1 37, अब डिवाइड करते हैं 1147 को, 37 3 111, 3 और 7 37 1 37, बात को समझ पा रहे हैं। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 21/31, ये हमारे लिए क्या हो गया आंसर, बात समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 756/882, यानी कि 756 से किसको भाग देना है, 882 को, बात समझ पा रहे हैं। चलिए दीजिए 756 1 756, 12 में से 6 गए 6, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 7 गया 1, बात समझ पा रहे हैं, किसमें भाग देना है, 126 छक्का 756, सिंपल हमारे लिए क्या आ गया, ये मैस है, कितना आ गया, आप सिंपली बोल रहे होंगे 126। अब आप बोल रहे होंगे शॉर्ट ट्रिक से कॉन्स्टेंट क्यों नहीं हो रहे, बट मैं आपको याद दिला दूं कि शॉर्ट ट्रिक आपको सिर्फ ऑप्शन से देखकर ही कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सिर्फ इसी टाइप से करना पड़ेगा। चलिए 126 से डिवाइड करते हैं 756 को, आप सिंपली देखते ही बोल देंगे कि 6 बार कट जाएगा 756। अब 126 से किसे डिवाइड करना है, क्योंकि 126 क्या था, मैसे, जब ये 6 बार है तो ये कितनी बार होगा, 7 बार, आंसर बोलेंगे आप 6/7, बात को समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 128352/238368, देखिए
हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। शॉर्ट आउट करने के बाद ये नंबर क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, बट उसमें हमारा डबल वर्क हो जाएगा क्योंकि फिर भी हमें मैसे ही निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम डायरेक्टली मैसे निकाल लेते हैं। 128 एकम 128 यानी कि 1 2 8 3 5 2, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 3 गए 0, 8 में से 8 गए 0, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया। बात समझ आ रही है? 1 2 8 3 5 2 कितने बार जाएगा, नोटिस करिए कि कितने बार पॉसिबल है। आप बोलेंगे ओनली वन टाइम्स, क्योंकि टू टाइम्स तो ज्यादा हो जाएगा। 12 में से 6 गए 6, 4 में से 1 गया 3, 3 8 और 1 18 336। अब इससे कैसे डिवाइड करना है, डबल 116 को। आप बोलेंगे कि 18 छक्का कितने होते हैं, 108, तो इसका मतलब 6 बार चला जाएगा, 6 चौक 36, 6 18 3 21, 6 18 और 2 20, 6 48 और 2 50, यहां से लगा 5, 1 6 और 5 11। बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब मैं से क्या आ गया, 18336। इस 18336 से हमें पहले ये नंबर डिवाइड करना है, फिर ये नंबर डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 18336 कितनी बार जाएगा। आप खुद ही सोचिए कि जब 6 बार ये गया था तो 7 बार जा सकता है, यानी कि 7 छः 42 का 2, हासिल लगा 4, और 7 21 और 4 25 का 5, हासिल लगा 2, 7 21 22 23 का 3, 23 का 3 हासिल 2, 18 7 126 128। बात समझ पाए? अगले नंबर क्या है हमारा, 238368 को किससे डिवाइड करना है, 18336 से। एक बार जाएगा, 0 0, 8 में से 3 गए 5 और 13 में से 8 गए 5 और 0, कितनी बार जाएगा, 3 बार। बात समझ पा रहे हैं? 3 छंग 18, 3 के 9 और 1 10, 3 के 9 और 1 10, 3 8 24 और 1 25, 3 एकम 3 और 2 5। क्लियर हो रहा है किस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है? अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 7/13, यानी कि ये 7 बार कटेगा और ये 13 बार। बात समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है 2324 तथा 8148 का महत्तम समापवर्त्य क्या होगा। तो महत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए हम सिंपली क्या कर रहे होंगे, 2324 से 8148 को डिवाइड कर रहे होंगे। 23 किया 69 यानी कि 3 बार, 24 किया 72 और 23 किया 69, 8 में से 2 गए 6, 14 में से 7 गए 7, 10 में से 9 गया 1 और 7 में से 6 गया 1, कितना आ गया, 23 24 से डिवाइड करना है। बात समझ पा रहे हैं? कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा क्योंकि 2 बार ज्यादा हो जाएगा। 14 में से 6 गए 8, 11 में से 7 गए 4 और 2 में से 1 गया 1 और 1, 1148 से डिवाइड करना है 1176 को। एक ही बार जाएगा 1148 से भी, 16 में से 8 गए 8, 6 में से 4 गए 2। बात समझ पा रहे हैं? 28 से डिवाइड करिए 1148 को, 28 किया 84 और 28 चौका 112, 2 और 8 28 एकम 28। बात समझ पाए? मैं से क्या आ गया हमारा, 28। तो देखा ये मेथड थोड़ा सा हल्का सा लॉन्ग हो जाता है, बट ये ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है और यहां से आप एक्यूरेसी जो निकालेंगे क्वेश्चनों को करने की वो 100% है। और मैं आपको यही बोलूंगा कि आप प्लीज किसी भी टिक पर मत जाइए, सिर्फ आप अपना बेसिक अपने कंसेप्ट क्लियर रखिए, आप हर तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 216 288 720 का मैसेज। तो 216 से पहले हमें 288 को डिवाइड करते हैं। आप बोलेंगे एक बार ही जाएगा, 8 में से 6 गए 2, कितना आ गया 7, डिवाइड किया हमने 72 किया 216, यानी कि इन दोनों नंबरों का क्या आ गया मैसे, 72। अब 72 से किस नंबर को डिवाइड करना है, 720, तो 72 एकम 72, 0 ना जाने की 0, कितना आ गया 10। अब हमारा मैसे कितना रह गया, 72, जो तीनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है। बात समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1134 1344 1701 का मैसे बताइए। तो सिंपली हम 1134 से सबसे पहले किसे भाग करेंगे, 1344 को। एक ही बार जाएगा 1134, 0 1 2 210,
1134। 21 पंजे कितने होते हैं? 105, यानी कि 1050। 5, 13 में से 5 गए 8। बात को समझ पा रहे हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चन कर पाएंगे? यहां मिस्टेक हो गया, यहां पे 4 आएगा। अब 84 से डिवाइड करेंगे 210 को, 84 दूनी 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। 10 में से 8 गए कितने बचे? 2, और 10 में से 6 गए कितने बचे? 4। 42 दूनी 84। बात को समझ पा रहे हैं, यानी कि 42 आ गया इन दोनों के एलसीएम। तो 42 से इस नंबर को भी डिवाइड करके देखते हैं, समझ पा रहे हैं? देखिए 42 चौका कितने होंगे? 168। 10 में से 8 गए 2, 1, यहां कितना बचेगा? 21 बच गया। अब 21 किसके लिए भाजक हो गया? 42 के लिए। 21 दूनी 42, मैं से कितना आ जाएगा? सिंपली आप बोल रहे होंगे मैं से आ गया हमारा 21। बात को समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 96528, 2160 और 3520 का मैसेज। तो पहले इन दोनों नंबरों को लेते हैं। 96528, 9 5 45, 9 6 56 ज्यादा हो जाएगा, 5 बार करेंगे, 5 5 30, 5 5 45 और 3 48, 8 का 8, 12 में से 8 गए 4, 48 आ गया। 48 से 96 को भाग दीजिए, 48 दूनी 96, इन दोनों का एलसीएम 48। चलिए 48 से नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करते हैं। 48 एकम 48, 12 में से 8 गए 4 और 8 48 एकम 48, यानी कि 48 से डिवाइड हो गया नंबर भी। नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करते हैं 48 से, 3520, 48 एकम 48, 4 8 32, 8 32 यानी कि 320, 5 7 35 यानी कि 7 बार ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार लेंगे। 6 8 48 का 8 हासिल 4 6 4 24 और 4 28, 6 8 48 का 8 हासिल लगा 4, 6 4 24 और 4 28, वो भी कम हो रहा है तो 7 बार ही लेंगे, यानी कि 7 8 56 का 6 हासिल लगा 5, 7 4 28 और 5 33, 12 में 6 गए 6, 0 की 0, 4 में 3 गया 1, 48 दूनी 96, 48 दिया 144, कितना बचा? 16। अब 16 किसके लिए भाजक हो गया? 48 के लिए, 16 दिया 48। बात को समझ पाए, यानी कि हमारा मैसे कितना आ गया? 16। बात समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो पॉइंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करेंगे, तो सिंपली आपको क्या याद रखना है, जैसे 1.75, 5.60 और 7 दिया है। देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? आप बोलेंगे 2, यहाँ पे कितने पॉइंट के बाद है? 2, लेकिन यहाँ पर अगर मैं पॉइंट लगा लूं और यहाँ पे मैं ऐसे कर लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अब इस पॉइंट को मैं कैंसिल कर देता हूं तो सबके नीचे क्या आ जाएगा? 100। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं से निकालना है तो ऊपर वाले नंबरों का तो मैं से निकाल दो, नीचे वाले नंबरों का लेस है, और लेस है क्या होगा? 100 ही होने वाला है क्योंकि तीनों कॉमन है। इनका मैं से निकालते हैं, 175 को 560 से भाग देते हैं। बात समझ पा रहे हैं? देखिए 175 को 4 से भाग देंगे, 17 64, 4 बार ज्यादा हो जाएगा, 3 बार करते हैं, 3 5 15, 17 3 51 और 1 52, 10 में से 5 गए 5 और 5 में से 2 गए 3। बात समझ पा रहे हैं? 35 5 175, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 35। अब 35 से किस नंबर को डिवाइड करके देखना है? 700 को, 35 दूनी 70, उतारा 0 ना जाने की 0, कितना आ गया? 20। इसका मतलब है कि हमारा एलसीएम कितना आ गया? एचसीएफ 35, तो रख दीजिए, और जब डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना एचसीएफ होगा? 0.35। ये क्या आ गया हमारा मैसेज? बात समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, 2.4, 0.36, 7.2, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो सभी में 2 डिजिट कर लो और पॉइंट हटा दो। बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए मैसेज पूछा है, मैंने आपको बताया था दोनों क्वेश्चनों में कि जब भी भिन्न का मैसेज पूछे तो ऊपर वाला मैसे निकलता है, नीचे वाला लेस है, तो लेस है तो सेम ही है, मैसे में निकालना है तो 36 से डिवाइड करेंगे पहले किसे? 240 को, 36 चौका कितने होते हैं? 36 दूनी 72, 36 किया 108, यानी कि 36 छक्का
216, 10 में से 6 गए 4 और 3 में से 11 2। बात आ रही है समझ में, कितना आ गया 36, 24 एकम 24, कितना बचा 12, और जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24। बात समझ पाए? देखिए 12 इन दोनों का आ गया HCF, अब 12 से डिवाइड करते हैं 720 को, 12 छह 72, उतारा जीरो, ना जाने की जीरो, इसका मतलब ये भी डिवाइड हो गया, तो हमारा कितना आ गया HCF 12, और जब इसे शॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो कितना रहा होगा 0.12, ये क्या आ गया हमारा। बात समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मैसे कितना है, तो एक बात बताइए जो भिन्न होती है, भिन्नों का जो मैसे हम निकालते हैं वो क्या होता है? आप सिंपली बोलेंगे कि उसमें अंश का तो हम क्या निकालते हैं, मैसे, हर का लेस, अंश का मैसे, यानी कि अंश का मैसे क्या हो गया 7 से डिवाइड किया हमने 14 को, 7 2 जा 40, यानी कि मैसे कितना आ गया, सिंपल सी बात है, मैसे तो हमें दिखाई दे गया 7 आ गया, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 1 जा 7, लेकिन अब क्या निकालना है हमें, लेस 9 15 और 10, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 10 का 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कर दीजिए मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 5 3 15 3 45 90, हमारा आंसर कितना आ गया 7/90, ये क्या आ गया हमारा भिन्न का मैसे। बात को समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे 9 12 18 21 का मैसे कितना है, तो फिर से वही बात, 9 12 18 21, 9 * 9 कितना आ गया 3, 3 3 9, नोटिस करिए 3 इसे भी काट देगा, 3 इसे भी 3 इसे भी 3 इसे भी, इसका मतलब हमारा मैसे कितना आ गया 3। नीचे वाले नंबरों का मैं क्या निकालना है, लेस है तो निकालिए 10 25 35 और 40, सबसे सिंपल करने के लिए 5 के टेबल में सारे आते हैं काट दो, 5 2 10 5 25, 5 7 35 और 5 8 40, अब 2 से काट दो 2 1 2, 5 का 5 7 का 7 2 6 8, कर दीजिए मल्टीप्लाई 5 × 2 × 5 × 7 × 4 बराबर 5 2 10 5 50 और 5 7 35 4 14 100 140। बात समझ पाए? यानी कि लैसे कितना आ गया 1400, तो आंसर क्या रहा होगा, मैसे बटे लैसे, यानी कि 3/1400। बात समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 3 संख्याएं दी गई हैं 1 2 3 के अनुपात में और तथा इनका महत्तम समापवर्तक दिया गया है 12, और ये संख्याएं क्या है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे एक बात बोलता हूं, मैंने 2 संख्याएं ली जैसे 2 और 5, और दूसरी संख्या होगी मेरी 2 और 7, अब मैं आपसे पूछूंगा इन दोनों का मैसे क्या होगा, मैसे का मतलब क्या होता है, जो इन दोनों में कॉमन हो, तो इनका कॉमन क्या है 2, ये बात समझ पाए। चलिए अब हम इन संख्याओं को क्या मान लें, संख्याओं को मान लेते हैं हम, एक संख्या 1x हो गई 2x और दूसरी संख्या 3x, अब मैं आपसे बोलूं कि इन तीनों संख्याओं में कॉमन क्या है, आप सिंपली बोलेंगे x, जो हमारे लिए क्या है मैस है, और क्वेश्चन में मैस कितना दिया है 12, अब 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 12, दूसरी 12 2 24 और 12 3 36। बात को समझ पाए? देखिए जो कॉमन होता है वही हमारा मैसे होता है, और मैसे की वैल्यू आपको कितनी दी है 12, तो 12 की मल्टीप्लाई कर। बात समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 105 165 285 1365 करते हैं, 105 105, 60 बार तो जाएगा नहीं, एक बार ही जाएगा, 45 1 45, कितना बचा 15 3 45। बात समझ पाए? यानी कि इन दोनों का कितना आ गया 15, 15 से नेक्स्ट नंबर डिवाइड करते हैं 285, 15 1 15, 8 में से 5 गए 3,
आठ में से पांच गए तीन और दो में से एक गया एक और पांच, 15 निम्मा 135। नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करते हैं 15 से 1365, 15 निम्मा 135 और 15 एक, यानी कि मैं से कितना आ गया, आप सिंपली बोल जाएंगे 5। देखिए आप अभी तक अगर आप ट्रिक लगाएंगे तो आप ना सोच में पड़ जाएंगे, अगर आपको ये मेथड आता है तो आप बिना रुके एक ही बार में क्वेश्चन कर देंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 0 तथा 6 का मैसा कितना है? अब एक बात बताइए, 0 का क्या कोई टेबल होता है? नहीं होता। 6 का जबकि होता है, इसका मतलब इन दोनों को काटने वाला कोई नंबर मिलेगा? आप बोले आप इनके इन दोनों को काटने वाला कोई भी नंबर नहीं होगा, इसका मतलब है कि इन दोनों का मैसा फाइंड नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए हम इसे क्या बोल देंगे, अपरिभाषित, यानी कि जिसको हम भाषित नहीं कर सकते, यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते, या कोई इस तरह के क्वेश्चन हमारी मेंटेलिटी चेक करते हैं, क्योंकि जीरो का कोई टेबल नहीं होता और जीरो का कोई नंबर, अगर एक की बात देखी जाए तो एक से जीरो कट जाएगा, दो से जीरो नहीं कटेगा क्योंकि सिंगल नंबर है। बात समझ पा रहे हैं? फिर आप बोलेंगे 3 से 20 4 से 20, मतलब किसी से भी कट जाएगा, इसका मतलब है कि अपरिभाषित हो गया, कोई भी एक परफेक्ट नंबर नहीं है जो उसे काटे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज अगर कुछ भी डाउट है आपके तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगर आपको क्वेश्चनों में डाउट्स है या मेथड समझ नहीं आए तो आप हमारा कल का वीडियो देखिए, उसमें हमने पूरा का LCM और HCF सब कुछ एक्सप्लेन किया। थैंक यू।